क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आपके सास ससुर का दावा है कि वो बेकसूर है, डिम्पी ने उनकी वजह से सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनका तो ये भी कहना है कि उसका कत्ल किया है। नहीं सर, बकवास कर रहे हैं वो। और डिम्पी ने तो सुसाइड नोट भी छोड़ा था। वो डिम्पी का ही है, उसी की हैंडराइटिंग। लेकिन सुसाइड नोट के फॉरेंसिक रिपोर्ट से एक सवाल खड़ा होता है कि सुसाइड नोट लिखने और सुसाइड करने में 6-7 दिन का गैप, यानी सुसाइड नोट आज लिखा गया और 7 दिन बाद सुसाइड की गई। तो डिम्पी को 6-7 दिन तक सुसाइड करने का टाइम नहीं मिला या उसके दुश्मनों को उसे मारने का मौका? सर, डिम्पी 19 साल की ही तो थी, उसकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? ये तो आप हमें बताएंगी ना। आप कहना क्या चाहते हैं? बिट्टी हमें सब बता चुकी है। हेलो हेलो इंस्पेक्टर अंकल, मुझे आपको कुछ बताना है। वो मुझे ऐसा लगता है कि डिम्पी दीदी को ना करण भैया और मम्मा ने मिलकर मारा है। उन्होंने घर भेज दिया है और वो कहीं भाग जाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, और देखो बेटा, आप किसी को मत बताना कि ये बात आपने हमें बता दी, ठीक है? ओके अंकल। हाँ ओके, हम आते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो डिम्पी के हाथ पे के लिखा हुआ था वो क्या है? के तो सर, के करण का नाम ऐसे है ना, और करण उसका होने वाले पति था। और करण ही वो आदमी है जिसकी वजह से डिम्पी और आपके बीच में झगड़े हुआ करते। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। ये मैं नहीं, डिम्पी की डायरी कह रही है जिसमें साफ लिखा है कि उसकी खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी माँ है। नहीं सर, ये झूठ है। मैं आपको इस बकवास को भी सही प्रूव कर देता हूं, ये चैटिंग ये भी झूठ। ये चैटिंग जो तुम्हारे और करण के बीच हुआ करती थी, और यहां तक तो सब ठीक था। प्रॉब्लम वहां क्रिएट हो जाती है जब डिम्पी भी उसी आदमी को प्यार करने लगती है जिससे उसकी मां प्यार करती है, और यह देखकर मां का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और मां उसकी सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती है। लेकिन फिर भी एक मां अपनी बेटी का कत्ल नहीं कर सकती, ये तो इसका किया था। तुझे तो फांसी होगी। क्यों किया तूने ये सब? तो मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब इसका आइडिया है। मैं तो बस साथ दे रहा था इसका। सच सच कहता हूं, इसी ने डिम्पी को अपने दादाजी के खिलाफ भड़काया है। बस अब आगे की कहानी ये खुद बताएंगे। तो मनप्रीत जी, अब आप यही बताएंगे या हवाला चल के? डिम्पी को यकीन दिला दिया था कि उसकी शादी होने के लिए दादाजी की प्रॉपर्टी हमारे नाम पर होना जरूरी है। इसलिए जब मैं अपना प्लान लेकर उसके पास गई तो वो तुरंत मान गई। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने लिख दिया। अब तू देखना पुत्र, मैं तेरी शादी कितनी धूमधाम से करती हूँ। सुसाइड नोट हाथ में लगने पर हम दोनों ने डिसाइड किया कि डिम्पी को हम उस दिन मारेंगे जिस दिन कपड़े का बाजार लगता है, ताकि जब हम घर पे ना हो तो पुलिस को हम पर शक ना हो। इसीलिए हम 6 दिन तक वेट करते रहे, और जब मंडे आया तो हमने अपने प्लान को अंजाम दे दिया। बेटा जरा कंघी भी दे देना। हाँ मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। कांस्टेबल ले चलो इनको। चल। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।